जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है उसने एक उसूल कई बनाए हुए हैं कि जिसने भी कामयाब दुनिया में होना है, कोई भी इंसान आज तक मेहनत किए बगैर कामयाब नहीं हुआ। कोई इंसान शॉर्टकट लेके कोई उसने आज तक दुनिया में बड़ा काम नहीं किया। कामयाबी का राज क्या है? नौजवानों, खास तौर पे आपके लिए, फिर से गौर से सुने, कामयाबी का राज सबसे बड़ा यह है, बड़ी सोच रखना। जितनी बड़ी ख्वाब आपकी होगी उतना ही बड़ा इंसान बनेगा। अल्लाह ने इंसान को इतनी ताकत दी है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि आदम के सामने झुको, तो शैतान ने कहा कि मैं तो आग का बना हुआ, मैं क्यों इसके साथ, ये तो मिट्टी का बना हुआ है। तो अल्लाह ने शैतान को क्या कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने इस इंसान को कितनी ताकत दी है। तो नौजवानों, लोग अपनी जिंदगी गुजार जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि अल्लाह ने उनको कितनी ताकत दी है। जितना आप अपने आप को आजमाओगे, जितना आप चैलेंजेस के सामने खड़े होगे, उतना आप बड़े इंसान बनते जाओगे। कामयाब वो नहीं होता जो सबसे टैलेंटेड होता है, जहीन होता है, अच्छी तालीम मिलने वाला कामयाब नहीं होता। कामयाब वो होता है जो बड़ी सोच, बड़ी ख्वाब रखता है और उसके बाद हार नहीं मानता। जितनी आप ऊपर सोच रखेंगे, याद रखें, उतनी ज्यादा मायूसियां जिंदगी में आएंगी आपके सामने। और इंसान के कैरेक्टर की पहचान बुरे वक्त में होती है। मुश्किल वक्त में पता चलता है कि इंसान का कितना कैरेक्टर है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा। क्यों वो अल्लाह हमें मुश्किलें देता है? हमारी बेहतरी के लिए। जब एक इंसान के सामने मुश्किल आती है, उसके सामने खड़ा होता है, बुरे वक्त को बर्दाश्त करता है, अपना जायजा लेता है कि क्या वक्त, क्या गलतियां की मैंने, गलतियों को ठीक करता है मेहनत करके, इंसान और मजबूत हो जाता है और ऊपर चला जाता है। और यह है साइकिल जिंदगी का। असल में नौजवानों, ये मेरी अब सब ने यह बात समझनी है, कभी आपको हार हराती नहीं है। जब आप हार से, बुरे वक्त से हार मान जाते हैं, तब आप हारते हैं।